उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी स्क्रब, किस तरह आप बॉडी स्क्रब जो अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। आप लोग बॉडी स्क्रब आज दो तरह के स्क्रब बनाऊंगी, एक बनाऊंगी कॉफी स्क्रब और एक महंगे महंगे स्क्रब करने और स्क्रब। ठीक है, सबसे पहले आज हम बनाएंगे ऑरेंज स्क्रब। ऑरेंज स्क्रब के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं बना रही हूँ ऑरेंज स्क्रब। ऑरेंज स्क्रब जो है आपको सिर्फ बेसिक कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि शुगर लेंगे, कोई भी शुगर ले लें आप। अगर आपका ब्राउन शुगर हो तो ब्राउन ले लें, वाइट हो तो वाइट ले लें। ठीक है, मैं वाइट ले रही हूँ। ठीक है, आपने जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आपने लेना है, जितना बड़ा आपका जार हो उस हिसाब से आप ले लें। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल भी आसानी से आपके पास अवेलेबल होता है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ठीक है, कि ज़्यादा ना हो। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। ठीक है, 1, 2, 3 स्पून हो गए, 4 एंड 5। ठीक है, 5 स्पून मैंने इसके अंदर डाला है एक कप शुगर के अंदर। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप 10 स्पून डालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 लेमन। ठीक है, अगर आप बस बड़ा लेमन हो तो आप हाफ ले लें और छोटा हो तो एक लें। ठीक है, एक इसके अंदर पूरा लेमन डालेंगे। बीज वगैरह जो हो वो आप रिमूव कर लीजिएगा। लेमन जूस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छा जो है स्क्रब बनता है, मैं यही यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यही यूज़ करके देखिएगा। आप लोगों को भी जो है ईजी है सबसे अच्छी बात, और जो है आप जो है बजट फ्रेंडली है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। इसके जो बीज होंगे वो मैं रिमूव कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा ये ऑरेंज ऑयल है। ठीक है, इसकी बॉटल जो है ऑरेंज ऑयल जो है मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, एक स्पून जो है आपने भर के है ऑरेंज ऑयल अपने पास लेना है। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल इजीली जो है हर जगह स्टोर्स पे अवेलेबल होता है, आप वहाँ से बाय करके डाल सकते हैं। ठीक है, 1 जो है मैंने इसके अंदर ऑरेंज ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, अगर इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसके अंदर कलर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कलरफुल अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये ऑरेंज ये वो रेड कलर है। ठीक है, आपको रेड कलर नहीं डालना तो आप ऑरेंज कलर डाल लें, ग्रीन कलर डाल लें, जो कलर आपको सूट करे आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो, मुझे ये पसंद है तो मैं ये रेड कलर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है आप इसको बिल्कुल इस किसी भी जार के अंदर जो है ऐड कर दीजिएगा। इसको आप आसानी से जो है स्टोर करके रख सकते हैं आराम से, महीना डेढ़ महीना। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब करेगी आपका स्क्रब जो है, आपने सिर्फ उस वक्त बनाना है। ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। आप किसी भी जार के अंदर जो है आप इसको डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि आप कांच का ही लें, क्योंकि कांच के अंदर जो है चीज़ें सही रहती हैं, ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा इन्ग्रीडियंट नहीं है जो आपका ख़राब हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रब के ऊपर, जो कि है कॉफ़ी स्क्रब। कॉफ़ी स्क्रब बनाने के लिए भी जो है मैं वाइट शुगर ले रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। 2 कप्स जो है मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड की है। उसके बाद इसके अंदर मैं कॉफ़ी ऐड करूँगी। अच्छा, कॉफ़ी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। ठीक है, जितनी शुगर है, ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही आपने कॉफ़ी लेनी है। मैंने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है कॉफ़ी ली है। ठीक है, आप भी कॉफ़ी किसी भी ब्रांड की जो है कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है 1 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी। ठीक है, हनी ऐड कर दूँगी। हनी ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर जो जाएगा वो है कॉफ़ी ऑयल। कॉफ़ी ऑयल बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये देखें, वीडियो बनाते बनाते मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ये तो बंद है। खैर, तो इसके अंदर मैं अब डालूँगी कॉफ़ी ऑयल। 2 टेबल स्पून जो है मैं कॉफ़ी ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी। कॉफ़ी ऑयल की जो है वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से कॉफ़ी ऑयल देख सकते हैं कि कॉफ़ी ऑयल किस तरह बनाना। अगर आपके पास नहीं भी तो आप स्किप कर दें, सिर्फ कोकोनट ऑयल जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मुझे आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं कॉफ़ी और ऐड करूँगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा 1/2 कप कॉफ़ी जो है मैंने और ऐड की है। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये कुछ ऐसा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कोकोनट ऑयल जो है ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून जो है कोकोनट ऑयल और जाएगा, क्योंकि हमने कॉफ़ी ऑयल भी यूज़ किया था। ठीक है, टोटल जो मिलाकर है 4 टेबल स्पून आपने ऑयल इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि 1 टेबल स्पून हनी भी है।
सही है। अब ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ये स्क्रब जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करेगा, सन टैनिंग रिमूव करेगा। आप इसको आसानी से वीक में 2 times यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप आराम से जो है 1 month स्टोर करके इजीली ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप मुझे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में दें और इसके रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।